बाल्टिमोर ब्रिज कोलैप्स के उस इंसिडेंट में उस कार्गो शिप पर काम करने वाले इंडियंस ने डिस्ट्रेस अलर्ट भेजकर बहुत सारी लाइव्स बचाई। पर क्या आपको पता है कि एक डिस्ट्रेस अलर्ट का मतलब क्या है एंड किस तरीके से एक शिप डिस्ट्रेस अलर्ट भेज सकती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। डिस्ट्रेस का मतलब है कि किसी की लाइफ या फिर शिप किसी ग्रेव एंड इमिनेंट डेंजर में। एक शिप कई सारे तरीकों से डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज सकती है एंड लास्ट वाला इज द मोस्ट प्रोबेबल जो उस शिप ने भेजा हो। पहला रॉकेट पैराशूट फ्लेयर या हैंड फ्लेयर, जैसा कि हमने टाइटैनिक के डूबते समय देखा था। दूसरा बॉयंट स्मोक सिग्नल जो कि ऑरेंज कलर का स्मोक देगा। तीसरा इंटरनेशनल कोड सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस जो कि इंडिकेट किया जाता है बाय टू फ्लैग्स नवंबर एंड चार्ली। चौथा किसी सिग्नलिंग मेथड से मोर्स कोड SOS ट्रांसमिट करना एंड पांचवा कंटिन्यूस साउंडिंग ऑफ फॉग सिग्नलिंग अपरेटस, जिसका मतलब है शिप की विसल को कंटिन्यूसली ब्लो किया जाए। और भी कई सारे डिस्ट्रेस सिग्नल्स होते हैं बट सबसे प्रोबेबल वन जो उस सिचुएशन में उस दिन यूज हुआ होगा वो है ये VHF रेडियो पर चैनल 16 पर वर्बली बोलना मेडे मेडे मेड, फॉलोड बाय उनका मैसेज दैट इज आवर शिप हैज लॉस्ट कंट्रोल ड्यू टू ब्लैकआउट। इस डिस्ट्रेस अलर्ट से ट्रैफिक ऑफिशियल्स ने ब्रिज पर कार्स का फ्लो रोक दिया एंड उसकी वजह से कई जाने बची। We'll be right back.